गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर साइंस क्लासेस, जीके साइंस क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द प्रीवियस टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। At a point, due to a point charge. In this topic, we are going to determine the electric field which is produced at a point within the electric field due to a point charge. सपोज देखिए, इस टॉपिक में हम जो फाइंड करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है किसी पॉइंट चार्ज के कारण, जो इन्फिनिटी पर स्थित है, यानी इन्फिनिटी पे जो पॉइंट चार्ज मौजूद है उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डेवलप हो जाएगी, इसको हम फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज अ पॉइंट ओ, सपोज अ पॉइंट ओ having the charge plus q and another point p at a distance of r from o, at this point we are going to determine the electric potential and let be considered another point a which is situated at infinity and having the charge plus q zero. Due to this plus q charge and this plus q zero charge, a force of repulsion acting between a and b, this force of repulsion is f, and if we displace this plus q charge slightly from a to b, and the displacement is bx, and this point a is situated from o at a distance of x. देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या है, एक यहाँ पर कंडीशन मानी है, यानी हमने क्या है, देखिए सबसे पहले माना कोई पॉइंट o है जिस पर क्या है प्लस q चार्ज है, और इस प्लस q चार्ज को हमने एक ऐसे मीडियम के अंदर प्लेस किया है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है k है। अब इस पॉइंट से r दूरी पर हमने एक दूसरा पॉइंट माना है पॉइंट p, और जिस इस पॉइंट पर क्या है हमें, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फाइंड करना है, यानी p पॉइंट पर जो है कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। हमने क्या है, फिर देखिए इस पॉइंट o से कोई तीसरा पॉइंट माना है a, जो क्या है x दूरी पर स्थित है, जिस पर क्या है देखिए प्लस q जीरो चार्ज जो है मौजूद है। इस प्लस इस देखिए, यानी क्योंकि ये क्या है प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, यानी प्लस प्लस, यानी दोनों ही सेम चार्ज हैं, इसलिए दोनों के बीच में क्या है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा जो है F। अगर हम क्या है देखिए, इस पॉइंट को जो है A से B तक डिस्प्लेस कर देते हैं, जिनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है dx है, तो हम क्या करेंगे देखिए, A से लेकर B तक लाने में इस q जीरो चार्ज को हमें कितना वर्क करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी हमारी खर्च हो जाएगी, उसी को हम फाइंड करेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इन दोनों के बीच जो फोर्स काम कर रहा है F, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q एंड Q0 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी x स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्ज Q एंड Q0। इन दोनों के बीच में जो चार्ज काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है, वो कितना है, वो इतना है, इतने न्यूटन। अब अगर हम क्या है देखिए, वर्क डन कैलकुलेट करें एंड
वर्डन इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू जीरो चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज वर्डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस मेंट। देखिए हमें क्या है बर्डन कैलकुलेट करना है इस क्यू जीरो चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी बर्डन को रिप्रेजेंट करेंगे हम डी डब्ल्यू से फोर्स यानी एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी माइनस डी एक्स देन वाई बी यूज माइनर डी एक्स यानी हम देखिए माइनर डी एक्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं माइनस डी एक्स देखिए इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है फोर्स जो लग रहा है इसमें देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है इधर की तरफ एरो का निशान रिप्रेजेंट कर रहा है बट हमने जो इसको डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस किया था इस चार्ज को वो क्या था ए से बी की तरफ इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है माइनस के डायरेक्शन के साथ लिया है अब हम क्या करेंगे जो एफ की वैल्यू आई है इसको यहाँ पुट कर देते हैं क्योंकि डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा इस तरह से क्या हमने ये जो है बर्डन कैलकुलेट किया अगर हम क्या है देखिए वर्क कितना कर रहे हैं इसको इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं उठाकर यहाँ तक पॉइंट पी तक जो क्या है इस ओर से आर दूरी पर स्थित है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आर है तो हमें क्या देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग ग्रेटिंग अब इक्वेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर यानी इन्फिनिटी से आर तक हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन करेंगे चलिए लिख देते हैं ऐसी इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्योंकि देखिए दोनों चार्ज यानी क्यू और क्यू क्या है सेम रहेंगे पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान तो इसलिए क्या है इनको कांस्टेंट मान लेते हैं और ये वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के ये तो पहले से ही कांस्टेंट है जो कांस्टेंट टर्म है इसे हम बाहर ले लेते हैं डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू क्यू जीरो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी है इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू क्यू जीरो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं देखिए अगर हम इनको यानी वन अपॉन एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं इन्फिनिटी से आर तक अब क्या है जो हमारा ये आर्या था आर और इन्फिनिटी इनको अंदर ले लेते हैं डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू क्यू जीरो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इनको अंदर लेंगे तो माइनस के वन अपॉन आर एंड प्लस के वन अपॉन इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी यानी जीरो तो यानी वन अपॉन जीरो यानी जीरो हो गया अगर इसे हम देखिए जीरो को ऐड करते हैं तो वन अपॉन आर ही आ जाएगा इसलिए फॉर्मूला जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस की इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया यानी हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू जीरो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू माइनस के वन अपॉन आर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ को इसको कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू क्यू जीरो अपॉन आर दिस इज द वर्क डन बट हमें क्या है देखिए कितने जूल
ये क्या है, देखिए हमने ए से बी तक इस चार्ज को लाने में इतना बार इतने जूल बार जो है किया है, बट हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी B इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q जीरो। जो W की वैल्यू निकालिए इस फॉर्मूला पुट करेंगे, B इज इक्वल टू हो जाएगा W यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q Q जीरो अपॉन R अपॉन Q जीरो। इस Q जीरो से इस Q जीरो को कैंसिल कर लेंगे, B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q अपॉन R। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एट ए पॉइंट पी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट पी पर इस पॉइंट चार्ज के कारण जो है इतने वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डेवलप हो जाएगा। अगर ये जो है एक्सपेरिमेंट जो है देखिए इफ एयर में किया जा रहा है, इन एयर, तो एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें क्या करेंगे हम इस के को रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि के की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से क्या देखिए हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसको फाइंड किया किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट स्थित है उस पर। अगर प्यारे बच्चों इस टॉपिक से रिगार्डिंग आप में से किसी को भी कोई भी समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका कुछ समाधान आपको बताऊंगा। थैंक यू। Thank you.